नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर में इस समय एक अहम दस्तावेज है और डोमिसाइल इस बात का आप ये कहें कि प्रूफ होता है कि आप जम्मू कश्मीर के बोनाफाइड रेजिडेंस हैं, यानी कि आप यहां के रहने वाले हैं। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर किसी रोहिंग्या को मिल जाए तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे? दरअसल रोहिंग्या मुसलमान जो है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के रह रहे हैं, उनके पास डोमिसाइल भी पहुंच चुका है और ये घटना आज की नहीं है। दरअसल आज ये घटना सामने आई है, ये रोशनी में आई है, लेकिन ये डोमिसाइल जो है 2020 में ही एक रोहिंग्या महिला को किश्तवाड़ में मिल चुका है और अब उस महिला को और दो और लोगों को, जिसमें एक रेवेन्यू ऑफिशियल भी है जिसने डोमिसाइल उसको इशू किया या उसको दिलवाने में मदद की, इन तीनों को कानून की धारा 467 यानी कि 467, 468, 471, 420 और 120 BIPC में बुक किया गया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कैसे रोहिंग्या जो है वो जम्मू कश्मीर में, इससे पहले आधार कार्ड उनके पास थे, जम्मू कश्मीर के वोटर कार्ड उनके पास थे, लेकिन डोमिसाइल जब से आया, धारा 370 की समाप्ति हुई, स्टेट सब्जेक्ट यहां से हटा और डोमिसाइल जो थे उसके लिए रूल्स बनाए गए कि बकायदा उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि 14 से 15 साल यहां पर रहने वाला होगा या फिर कोई सरकारी अधिकारी लंबे समय से यहां पर नौकरी करता होगा, उसके भी कुछ रूल्स थे कि उसके जो बच्चे हैं आगे वो डोमिसाइल के अधिकारी होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे इसमें रूल्स बनाए गए थे, डॉक्यूमेंट्स की नीड थी कि इतने समय से पहले कोई भी व्यक्ति जो है वो यहां पे डोमिसाइल नहीं हो सकता है। लेकिन रोहिंग्या के पास डोमिसाइल का मिलना बहुत बड़ी बात है। ये किश्तवाड़ की घटना है। फिलहाल किश्तवाड़ में पुलिस ने इस महिला पर मामला दर्ज किया है और तीन और लोगों पर भी जो मामला है वो दर्ज किया है। और ये महिला जो है ये म्यांमार की रहने वाली है और रोहिंग्या है और जानकारी मिली है कि इसने किश्तवाड़ के ही एक शख्स के साथ जो कि लोकल है उससे शादी की है। यानी कि रोहिंग्या का एक नया ये ट्रेंड है, एक नई चाल है कि जो यहाँ के लोकल यूथ है जो कि बेरोजगार है या फिर फिजिकली चैलेंज है, उनके साथ अपनी लड़कियों की शादी करना। और ये भी जानकारी मिली है कि इस महिला के आगे बच्चे भी हैं, यानी कि इसने एक लोकल व्यक्ति से शादी की। हालांकि अगर आप शादी की बात करेंगे तो वो भी फॉरेन एक्ट के तहत आता है और शायद उस मामले में भी जो है इस पर कोई केस बनेगा, क्योंकि SSP जो खलील पोसवाल है उनकी एक स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ये जो महिला है इसने एक लोकल व्यक्ति से शादी की है और फॉरेन एक्ट के तहत इसे बुक किया गया है, लेकिन अब जो केस है वो डोमिसाइल ऑब्टेनिंग वाला है, यानी कि फॉरेन एक्ट का उल्लंघन किया ये यहां पर एक लोकल से इसने शादी की। और जानकारी है जो मेरे पास, इसे मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि ये जो औरत है इसने वहां के एक लोकल व्यक्ति फयाज अहमद चौपान से शादी भी की है और उसी के जरिए इसने आगे डोमिसाइल भी अपना बनवाया है। और इस कंट्री के ये सिटीजन नहीं है, फॉरेन एक्ट में तो मामला दर्ज होता है, लेकिन डोमिसाइल जो है वो इसने हासिल किया है जिसमें एक रेवेन्यू ऑफिशियल है, यानी कि डिपार्टमेंट का सरकारी व्यक्ति है जिसने इस महिला की मदद की है, रोहिंग्या महिला की मदद की है। तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो सीज किए गए हैं और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर कैसे इनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी पहुंचे हैं। तो मामला बहुत ज्यादा संजीदा है, क्योंकि डोमिसाइल अगर जम्मू कश्मीर में बनाना है तो उसके लिए जो सेट रूल्स है उसमें आपको कम से कम 10 साल से ऊपर यहां पर नौकरी करनी है, 10 साल की आपकी नौकरी होगी तो आपके बच्चे जो है वो डोमिसाइल होंगे। 14 से ज्यादा 14 to 15 ईयर्स का एक टाइम स्पैन है कि अगर आप यहां पर रहते हैं विद प्रूफ, आपको रेंट्स के प्रूफ देने हैं, आपको यहां पर रहने के प्रूफ देने हैं, तो अगर वो प्रूफ आप दे पाते हैं अधिकारियों को तो आप डोमिसाइल बनते हैं। और उसके अलावा कुछ एक और रूल्स हैं जिसके बाद आपको डोमिसाइल मिलता है। लेकिन रोहिंग्या जो कि इल्लीगल माइग्रेंट्स यहां पर रुके हुए हैं म्यांमार के, तो वो यहां पर डोमिसाइल के हकदार नहीं है। लेकिन किश्तवाड़ की यह घटना है जहां पर इस महिला ने
बड़ी चालाकी के साथ एक लोकल व्यक्ति से शादी की। शादी करने के बाद 2020 में ही जो है इसने ये डोमिसाइल हासिल कर लिया था। हालांकि मामला अब प्रकाश में आया है। इस मामले ने कहीं ना कहीं प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। नींद प्रशासन की खोली है कि आखिर अगर एक महिला 2020 में ही जो कि म्यांमार की है, रोहिंग्या है, अगर वो डोमिसाइल हासिल कर सकती है तो फिर कितने ऐसे और रोहिंग्या होंगे जो कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए, वो यहां पर डोमिसाइल ले चुके होंगे गलत तरीके के साथ। इससे पहले बता दूं कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था सरकार को कि 6 सप्ताह के अंदर तमाम जो भी लीगल रोहिंग्यास है उनकी पहचान करें और इन्हें एक जगह पर डिटेंशन सेंटर में भी रखा गया है कठुआ में, वहां पर भी इनके जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहते हैं। तो रोहिंग्या को लेकर हमारी सरकार, हमारा कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है, स्ट्रिक्ट आप कहें कि आदेश है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें एक रोहिंग्या महिला जो है वो डोमिसाइल ले चुकी हो, और बड़ी बात यह है, ये आम व्यक्ति को समझना होगा कि जो रोहिंग्यास है वो यहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए यहां पर यही उनका पैटर्न है कि जो लड़कियां हैं उनकी शादियां करवा रहे हैं लोकल यूथ के साथ, उस यूथ के साथ जो फिलहाल जिसके पास ज्यादा समर्थन नहीं है, नौकरी नहीं है या फिर कोई फिजिकली चैलेंज है, तो उनके साथ शादी करवा रहे हैं। आगे जब उनका परिवार हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक इंसानी आप कहें कि जो दलीलें हैं वो वहां पर दी जाती हैं, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की दलीलें वहां पर जो है वो ये देते हैं कि अब तो परिवार यहां पर सेट हो चुका है तो कैसे कोई जाएगा। ये मामला फॉरेन एक्ट में आता है, लेकिन जब आपके पास डोमिसाइल भी निकलेगा यानी कि एक रोहिंग्या जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल भी अपने पास रख लेगा तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। सितंबर 19 2020 में इस महिला ने ये डोमिसाइल हासिल कर लिया था जो कि रोहिंग्या है, म्यांमार की रहने वाली है, एक लोकल व्यक्ति से इसने शादी की थी और फिलहाल इसका आगे शायद एक बच्चा भी है। तो बड़ी ये खबर है कि किस प्रकार रोहिंग्या जो कि पहले फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड रखते थे, अब उनके पास फर्जी डोमिसाइल भी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस पर जरूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से जुर्म बढ़ रहा है, जो क्राइम रेट हाई हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, उनमें इन लोगों की संलिप्तता है, और अगर ये लोग इसी प्रकार से यहां पर डोमिसाइल भी फर्जी बनाने में कामयाब रहे और डोमिसाइल इनके पास आ गए तो कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगे। नमस्कार।